Badhaai Ho has been produced by Vineet Jain under the Jungly Pictures banner and directed by Amit Sharma. बहुत ही बढ़िया फिल्म है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्लॉट. बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि क्या होगा अगर आपके मिडिल एज्ड माँ बाप एक बार फिर माँ बाप बनने का डिसीजन ले लें. उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, स्पेशली अगर ये बच्चा अनप्लान्ड हो. फिल्म के लीड स्टार्स हैं गजराज राव, नीना गुप्ता, आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा. ट्रेलर से आपको लगेगा कि ये एक फुल फ्लेज्ड कॉमेडी फिल्म है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये इस पूरे परिवार की जर्नी के बारे में है. फिल्म में फर्स्ट हाफ में आपको बहुत हंसी आएगी, सेकंड हाफ में फिल्म इमोशनली थोड़ी इंटेंस हो जाती है और जिस बखूबी से सारे एक्टर्स ने हर इमोशन को स्क्रीन पर उतारा है, यू माइट फाइंड इट हार्ड टू होल्ड बैक योर टीयर्स. आई लव हाउ द फिल्म सटली प्रमोट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बर्थ कंट्रोल. गजराज जी का किरदार उनकी पत्नी प्रियंवदा से बड़े प्यार से कहता है कि बॉडी तुम्हारी है, कष्ट तुम्हारा है, तो फाइनल डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा कि बच्चा चाहिए या नहीं. ही डजंट फोर्स हिज डिसीजन ऑन हर, विच इज़ सो नाइस टू वॉच. उनके बच्चों की भी अपनी एक जर्नी है, किस तरह वो इस न्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं. सोसाइटी भी बहुत ताने मारती है, मजाक उड़ाती है, उस सबको कैसे फेस करना है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह दिखाया है. फिल्म में ये भी दिखाया है कि एटलीस्ट इंडिया में लोगों ने रोमांस को लेके एक एज लिमिट बना दी है, पर बधाई हो देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ही अनरीजनेबल थॉट है. रोमांस और प्यार की तो कोई एज नहीं होती. नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, क्या हम ये फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं? ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा? तो हाँ, आप इस फिल्म को अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसे कोई ऑकवर्ड मोमेंट्स नहीं हैं और ये एक साफ सुथरी फिल्म है जिसमें डायरेक्टर अमित शर्मा ने अपना मैसेज बहुत सफाई से ऑडियंस तक पहुँचाया है. एनसेम्बल कास्ट है और हर किरदार का बराबर का रोल है, पर स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं गजराज जी और सुरेखा सिखरी जी जो आयुष्मान की दादी का रोल अदा कर रही हैं. सुरेखा जी ने तो ऐसी धुआंधार परफॉर्मेंस दी है कि उसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि बाकी के एक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया है, नीना जी, आयुष्मान और सान्या तीनों ने बहुत नेचुरल परफॉर्मेंसेज दी हैं एंड दे आर सच अ डिलाइट टू वॉच. फिल्म का म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और मोरनी बन के जो गाना है वो इस साल के बेस्ट डांस नंबर्स में से एक है. ओवरऑल बधाई हो इज़ अ मस्ट वॉच. एंटरटेनिंग है, कंटेंट बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंसेज भी गजब की हैं, तो फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है. मैं इसे सॉलिड 4 स्टार्स दे रही हूँ और कहना चाहती हूँ कि जाइए और ज़रूर इसे थिएटर्स में देखिए.